बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। एंड ऑफ कोर्स आज का दिन ए आर वाई यानी कि अब्दुल रजाक याकूब साहब, ये सारी इमारत, ये सारा ढांचा, ये सारा इंस्टीट्यूशन जिनके नाम से है, उनकी आज पांचवी बरसी थी। एंड ऑफ कोर्स अगेन आई वुड से कि जो लोग ए आर वाई से वाबस्ता नहीं भी हैं और उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, वो उनकी खिदमात के और उनकी ज़ात के और उनके किरदार के सब मुतरफ़ हैं। इसलिए हमने बहुत मुनासिब समझा कि आज के दिन इब्तदा में उनको याद रखा जाए। आप सब आज उनकी बरसी है तो उनके लिए दुआए मगफरत भी कीजिएगा, और प्रोग्राम के आगाज़ में हर लम्हा पुरजोश के इस प्लेटफॉर्म से भरपूर तालियों की सूरत में उनकी खिदमात को खराज तहसीन भी हम पेश करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का एक अहम तरीन मैच जारी है। कराची वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पिशावर जलमी से आज मैच है। कराची को जीतने के लिए चाहिए 156 रन। पहली बॉल पर कराची का पहला खिलाड़ी आउट हो चुका है। इस वक्त तक 5 गेंदें फेंकी गई हैं। कराची का स्कोर है 1 रन। कराची का एक खिलाड़ी आउट हो गया है। पिछले मैच में आप मत भूलिए कि लाहौर कलंदर से जीतने के लिए हमें इससे कम 139 रन चाहिए थे, जो कि हम नहीं बना सके थे, और 116 पर पूरी टीम आउट हो गई थी। तो बाकी अब आप लोग समझदार हैं, अल्लाह मालिक है। तनवीर भाई, आपके फेवरेट इमामुल हक साहब, जो आपके ख्याल में बिल्कुल भी अच्छे खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने 56 रन बनाए आज पेशावर जलमी में। और देखिए, मेरे ख्याल में उस दिन आपने मुझे कटेरे में बिठाया था, मैं यहीं बैठे बैठे जवाब दे दूं आपको। हाँ, देखिए कटेरा तो भी लगेगा। कटेरा मेरा, मैं कटेरे में हूँ ना हूँ, वो कोई अच्छा मतलब ठीक है। देखिए, इमामुल हक को मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। मैंने सिर्फ ये बात की थी तरीकेकार अच्छा नहीं है। ना उनको इंजमाम है, उनके सिफारिश पे लाया गया खिलाड़ी इतना अच्छा खेलता है, इंजमामुल हक साहब उनको लेके आ गए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि दूसरों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो ना देता, वनडे में भी दिया, सेंचुरीज भी स्कोर्स की। देखें, वो 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर आया, जो 8-8 साल से परफॉर्म कर रहा है, वो टीम के अंदर क्यों नहीं आया? आप अपनी राय पे कायम है आके? मैं जब तक जिंदा हूँ मैं कायम रहूंगा। ये कोई बड़ी फख्र की बात नहीं है। हाँ, को अपनी राय पे नजर मैं कभी भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चेंज उस टाइम करता अगर मैं ये कहता कि इमामुल हक प्लेयर अच्छा नहीं है और वो रन कर रहा, तब मैं हो सकता चेंज करता। मैंने ये नहीं बोला कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है, मैंने बोला जो सिस्टम है, जो तरीके है, अपने रिश्तेदारों को प्लेयर अच्छा है, प्लेयर अच्छा है, लेकिन जो तरीके का है वो गलत है। अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट बहुत ज्यादा की जाती है, उस पर मैंने ये बात की थी। ठीक है, आप कह रहे हैं प्लेयर अच्छा है, लेकिन चलें अब आज का ये मौजूद बहस नहीं। बासित भाई, मुश्किल लग रहे हैं हालात कराची किंग्स के? बॉल गीला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें अल्लाह वाले हम आपको ये दिखा देते हैं कि कल हमारे माहिरीन की क्या राय थी कि आज का ये मैच कराची जीतेगा या हारेगा। पेशावर में मुकाबला कराची, पेशावर जलमी ये मैच जीत सकता है। अली भाई, पेशावर सर, पेशावर जलमी जीतेगा इंशाल्लाह। पेशावर जलमी मेरी फेवरेट टीम तो कराची है। इन चारों ने पेशावर बोला, मैं कराची बोला। जी भाई, मेरा जवाब तो आपको पता ही है, कराची। तो हमारे इन माहिरीन में से चारों की ये राय थी, चारों जालिमों की ये राय थी कि कराची किंग्स आज का ये मैच हार जाएगा। अब अल्लाह ना करे, लेकिन लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। चले देखते हैं, हम आपको क्विकली जरा ये भी दिखा देते हैं कि अब तक पॉइंट्स टेबल क्या है हमारे इन चार माहिरीन का और पांच माहिरीन का, इंक्लूडिंग नन्ने मियां, अगर हम दिखा सकें जनाब। जी, तो इस वक्त तक कन्नान साहब हैं पहली पोजीशन पर, सारा और शहीदी साहब हैं दूसरी पोजीशन पर, जबकि नन्ने मियां किस पोजीशन पर है भाई, अगर इसको फ्लिप करके दिखा सकें? नन्ने मियां भी सेकंड पोजीशन पर है, ओके। और अली मोहम्मद साहब हैं तीसरी पोजीशन पर। चलें तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे पिछले पूरे सीजन के विनर थे, लेकिन अब की दफ़ा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत, क्या मैं उनका तारुफ कराऊं, और हम तो उनको जब से देख रहे हैं माशाल्लाह ऐसी ही हैं, और अल्लाह करे कि ऐसे ही रहें। लिटरली जो कुछ लोग होते हैं जिनका आप इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि वो आपको जानते हैं, और आपको फिर ये एजाज़ हासिल हो कि आप किसी प्रोग्राम में उनको एज अ गेस्ट बुलाएं और बार बार ये एजाज़ हासिल हो, तो क्या ही बात है। अब सिंगिंग कह लें, एक्टिंग कह लें, होस्टिंग कह लें, राइटिंग कह लें, ये सब कुछ और बहुत कुछ, हर दिल अजीज शख्सियत, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही सेहत व सलामती के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, और ये ऐसे ही हमें हमारी मुस्कुराहटों का सबब बनती रहे। तो वन एंड ओनली मैं इनको बिला मुबालगा लिविंग लेजेंड कह सकता हूँ, और मुझे मालूम है कि इसमें बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है। तो वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा, बहुत सारी तालियां। खैरियत से? हम जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। इसका क्या, ये कैसे हो जाता है ये माशाल्लाह बंदा ऐसे ही कैसे रहता है हमेशा? मुझसे कोई कुछ पूछता है तो मैं कहती हूँ मेकअप लव्स मी। अच्छा, क्या कुछ आप कुछ दुआएं खैर फरमा सकती हैं कराची? बिल्कुल करवा सकते हैं, और अल्लाह ताला करे कि, वैसे तो सारे
سارے اپنی ٹیم ہیں اور جو اچھا کھیلا اس کو جیتنا چاہیے, اور ظاہر ہے پشاور زلمی ہو یا کراچی کنگز ہو یا کلندرز ہو, یہ سب ہمارے اپنے. لیکن بہرحال ایک گیم کا ایک اپنا مزہ تو ہے نا جب آپ کمپٹیشن فیل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ. تو ابھی تک جیسے میں دیکھ رہی ہوں تو مطلب دکھ بھی ہو رہا ہے بینگ اے کراچی آئٹ کہ کراچی ذرا ٹھنڈا جا رہا ہے. اللہ مالک ہے, لیکن اللہ مالک تو ان کا بھی ہے, لیکن بہرحال مجھے اچھا میچ ہونا چاہیے پھر. اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ہر سال ہم ایک بڑے مزے کے جذبے کے ساتھ یہ سارا وقت گزارتے ہیں جو پی ایس ایل کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہر شہر ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتا ہے, گو کے سارے اپنے پھر وہی بات ہے, ایک ہیلدی کمپٹیشن. ہاں لیکن بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اب یہ اسپورٹس جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد کیا, آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے, وے آف لائف بنا لیں. بالکل صحیح, ہر طرح کی اسپورٹس کے اندر اپنے بچوں کو انوالو کریں, چھوٹے بچوں کو کرکٹ بھی ہو کچھ بھی ہو, کیونکہ فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے. بہت ضروری. آپ سے ذرا ہم نے تفصیلی بات بھی کرنی ہے اگلے سیگمنٹ میں, ذرا اور تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج مہمانوں میں جیتا رپڑی صاحب تو موجود ہیں آج. ہاں کیسے آئے ہیں؟ جیتا رپڑی. اور ہمارے درمیان ہماری ہر دل عزیز شخصیت, یوں تو پاکستان کے وزیر ریلوے ہیں, اس سے پہلے وزیر ثقافت بھی رہے ہیں, اور ان کی اپنی بڑی پہچان ہے, دا ون اینڈ اونلی شیخ صاحب, تشریف فرمائے جی. سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ آپ کے کہنے پر آئے, اللہ کے گھر اتنا ضروری ویلا بیٹھے تھے نا, بہت فارغ تھے, حال چال تو پوچھ لینے. سر آپ کیسے ہیں, خیریت سے؟ میں جی بالکل تیز گام کے انجن کی طرح فٹ ہوں, آئل پانی چیک ہوا ہوا ہے, گرین لائن کے ڈبوں کی طرح بالکل چکنا دھلا ہوا, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سلطان جی کھوئی کے استاد گوریلے کی طرح مستعد ہوں میں اس وقت بھی. جی سر جی, آپ کو ڈینگی تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیسی ڈینگی ڈینگی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈینگی ڈینگی بات, بیکی بیکی بات. سر ڈینگی لڑ جائے نا تو پھر ڈینگی ڈینگی باتیں بندہ کرتا ہے. دیکھیں جی, یہ چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہیں نا, یہ شیخ رشید کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے. ان کو ڈینگی لڑ جائے نا, وہ خود پپیتا ڈھونڈتا پھرتا ہے. کون ڈینگی مچھر؟ کہتا میرے وائٹ سیل کم ہو گئے, میں ذرا علاج کروا لوں. لال حویلی کا سارا ڈینگی ان کو لڑ لڑ کے فوت ہوا ہے. ہاں جی وسیم صاحب, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. سر میں بھی آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. یہ تاؤن زدہ چوئی چاولوں کو جب تک آپ یہاں سے نہیں ہٹائیں گے نا, میں آگے انٹرویو نہیں دوں گا. دیکھیے دیکھیے شیخ صاحب, منہ سنبھال کے بات کریں. یہ جوئی چاول آپ نے کس کو کہا ہے؟ بیٹا میں نے جوئی نہیں آپ کو چوئی چاولا کہا ہے, اپنا منہ دیکھیں پہلے. مجھے چوئی چاولا کہہ رہے, میں نے کبھی آپ کو رجیش انا کہا ہے؟ انا انا بلینڈ مین. دیکھیں وسیم صاحب, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. تھینک یو سر. یہ بندہ تو آپ اٹھائیں گے نہیں, میں شو چھوڑ کے جا رہا ہوں جی. جب تک یہ نہیں اٹھے گا میں شو آگے نہیں کروں گا, میں انٹرویو نہیں دے رہا جی. سر آپ ناراض ہو گئے جا رہا ہوں جی, بڑی مہربانی جی. آپ ناراض ہو گئے جا رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے جی ناراض ہو کے, اور کیا میں یہاں پہ بھنگڑے ڈال لوں؟ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ میرا آخری فیصلہ جی, جا رہا ہوں میں چھوڑ کے. مرضی صاحب ٹھیک ہے چلے جائیں, اور مہمان آئے ان سے مہمانوں سے بات کر لیں. میں بادامی بھائی چھوڑ کے آتا ہوں, یہ واپس بھی آ جاتے ہوتے ہیں. چھوڑے یار میں چلے بس یہی بیٹھ جاتا ہوں, آپ غریب آدمی ہیں مزدور ہیں, کیوں آپ کی روزی پہ لات ماروں یار؟ چلے جی جی, ویسے بھی جی خود ہی مان گئے. ہاں نہیں بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے, نرم دل کے آدمی ہیں جی. اچھا ان کے دل میں انسانیت کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی بہت ہمدردی ہے جی. اس کا کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ ہاں جی ہاں جی, ان کی حویلی میں بلی نے بچے دیے ماشاء اللہ, یہ مالش کرنے والی اماں ڈھونڈنے چلے گئے. بلی کے بچوں کے لیے؟ نہیں 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 بلی کے لیے. اچھا, اور ویسے بھی بلی نے جب بچے دیے نے انہوں نے گھر پہ فنکشن رکھ لیا, کہتے میں بھی آل اولاد والا ہو گیا ہوں بھائی. محبت دیکھیں جی, جانوروں کے حقوق کے لیے میری بڑی کوشش ہے جی, بڑی کوشش ہے میری. کالج بنایا جی انہوں نے بلیوں کے لیے. کیا مطلب؟ بلیوں کو تعلیم حاصل کرنے, یہ بھی میرے بچے ہیں, یہ پڑھ جائیں گے معاشرے میں ان کی عزت ہوگی, اگر بلیاں انگلش میں میاؤں میاؤں کریں گی تو ان کو جاب اچھی مل جائے گی. کیا بات ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے بلیوں کو کہا کہ گھر سے باہر نہیں نکلا, ان کو سلائی مشینیں لے کر دی ہیں, کہتے گھر میں کپڑے سی کے بچے پالو. یار میں آپ کیا ہو رہا ہے, میں شیخ سر چھوڑیں آپ بس مائنڈ نہ کیجیے جی. کیا سر کیا مصروفیات ہیں آج کل شیخ صاحب؟ میری جی بس وہی بردہ فروشی ہے. بردہ فروشی انسانی سمگلنگ کو کہتے ہیں جی, بردہ فروشی. مجھے پتا ہے یہ, لیکن آپ تو ریلوے کے وزیر ہیں. نہیں تو جب آپ کو پتا ہے تو یہاں پہ آپ میرا چیزہ لینے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں.
सारी दुनिया को पता है कि मैं वजीर रेलवे हूँ, आप बैठ के यहाँ पूछिए क्या करी है जी आप। रेलवे को इन्होंने बड़ी तरक्की दी है जी। हाँ। लोटों को वड्डी वड्डी संगलियाँ डाल दी है। हाँ। ये तरक्की कि एक वॉशरूम का लोटा दूसरे वॉशरूम में भी इस्तेमाल हो सकता है। शीशों पर लिखवा दिया कि खिड़की से कूद कर खुदकुशी करना मना है, फिर अगर मरने का शौक है तो मेन दरवाजा खोल के इधर से जाए। और ड्राइवर के लिए साबुन रख दिया कि हाथ धो के गाड़ी चलानी तूने। ये पहले खुद भी गाड़ी चलाते थे, गाड़ी लेकर खेतों में घुस गए। मैं क्या ये क्या किया, कहता जी बंदा नीचे आने लगा था। हाँ। तो मैंने कहा भाईजान आप बंदा नीचे दे देते। हाँ। कहता वो बंदा खेतों की तरफ ही गया था। यार बात करेंगे सर, ये बताएं आप वजीर रेलवे तो हैं लेकिन आपकी जो पेशगोईयां हैं। हाँ। ये बड़ी मशहूर हैं, ये कैसे आप कर लेते हैं पेशगोईयां, कब से कर रहे हैं, क्या है? देखिए वसीम, जब से मेरी सियासत शुरू हुई है, माल रोड पे एक मखसूस मकाम है। हाँ। उसके आगे मैं सत्तू का ठेला लगाता हूँ। जो सुन गुन होती है वो आपकी नजर कर देता हूँ, आप उसे पेशगोईयां कहते हैं। हालांकि आपने ये चार बिठाए हुए इस काम के लिए। जी जी जी। लेकिन इन चारों के मुकाबले में मेरी पेशगोई बहुत ही आला एक नंबर किस्म की है। जी जी। माल रोड पे इनके सारे सत्तू खत्म हो गए थे। जी अच्छा। मुझे आप क्या समझते हैं? मैं देखें बात से दे, मुझे पहले ये बताइए सामने, ये तो बुशरा आपको तो मैं पहचानता हूँ, ये जो दाएं बाएं बैठे ये कौन लोग हैं? ये सेंटर वाले भाईजान, इनको आपने नहीं पहचाना? ये तो अपना वो है ना तनवीर बॉलर होता था ये। जी 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 जी। हाँ बड़ी अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्या हाल है बच्चे? ठीक हूँ। आप ठीक है भाई? हेलो 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 हेलो, क्या मतलब भाई? हेलो क्या मतलब? नहीं, क्या नहीं, मतलब क्या नहीं, आपने ये क्या बात की कि मैं आप मुझे जानते नहीं? जानते, क्या बात की? इनको तो मोहल्ले में कोई नहीं जानता, आप कैसे जानते? भाई देखें यार बात सुने, ये जितने लोग बैठे हैं ना इनको पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ, आप क्या मोहल्ले वाली बात करें, बताएं यार इनको मैं कौन हूँ, आप जानते हैं आप लोग सारे मुझे? आप मेरी बात सुने, आप मोहल्ले को छोड़े, आप दूसरे मुल्कों में इंडिया में पूछे जाके, गौतम गंभीर से पूछे जाके मैं कौन हूँ, आप जी। मुझे कह रहे हैं मोहल्ले में जाते? उनको मैंने पूछा था। ओ भाई तुम्हें पूछा आपने? मैंने पूछा भाई जन को जानते हैं, कहते नहीं। भाई तुम्हें कोई मोहल्ले में नहीं जानता, तुम मुझे कह रहे हो? अरे आपको तो बहुत जानते भाई। थोड़ा भाई थोड़ा संभल के बात करो, क्या हो गया आपको? गुस्से वाले बहुत है भाई। गुस्से वाले क्या? इसलिए जब भी किसी तकरीब में जाते हैं अकेले ही बैठे होते हैं। क्यों? कोई इनको मुंह ही नहीं लगाता, इनके गुस्से की वजह से। सुने यार, इनके गुस्से की वजह से इनको कोई हाथ नहीं लगाता। यार चले ठीक है, लेकिन ये एक यार आपको समझ नहीं आ रही भाई? कोई नहीं, मैं बासित भाई, बासित भाई नहीं, आपको समझ नहीं आ रही? बासित अली भाई, बासित भाई की बात। कोयलों पे बिरयानी गर्म करते हैं, बिरयानी नीचे रखते हैं, कोयले खा लेते हैं। यार सर बासित भाई दोबारा बोली जा रहे हैं, इनके गुस्से की वजह से निकाह खान इनकी शादी पे। ओ यार एक मिनट यार, क्या मतलब निकाह यार, क्या बात कर रहे हो तुम? उन्होंने दूर से पूछा था भाई आपको कबूल है? मैं यार समझा यार, क्या निकाह बासित भाई की बात कर, तुम्हारे शादी में अगर मौलवी नहीं आया, निकाह नहीं पढ़ाया तो तुम वो बात मेरे पे डाल दो। आज शेख साहब साथ बैठे हो, चढ़ती ट्रेन पे चल पड़े हो। आपका भी नहीं हुआ ना? आपका भी नहीं हुआ? आराम यार, बड़ी अच्छी बात। बासित भाई देखे यार, अभी प्रोग्राम बाकी यार, आप थोड़ा चले भाई जान, गलती होनी चाहिए यार, माफी होगी, गलती दे दे। चल ठीक है, बासित अली साहब बात करना चाहे तो। बासित अली साहब को पहचाना आपने? यार बासित भाई माशाल्लाह हमारे बड़े बुजुर्ग सियासतदान तो नहीं है, क्रिकेट के प्लेयर। हाँ। है। मैं बड़ी कदर करता हूँ जी इनको, इनकी बड़ा इन्होंने जबरदस्त काम किया है। इनको एक दफा मुझे याद है तबीयत थोड़ी खराब थी, मैंने सुना आपको जिन चमट गया था जी। ये आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं जहाँ आप भी थे? इनको जिन चमड़ा था। आ, दूसरे दिन जिन बापे के पास चला गया, कहते मुझे उसमें से निकाल लो। यार मैंने कहा जिन भाई क्या हुआ, कहता मुझे उठा के कहता मेरे साथ क्रिकेट खेलो। वो फिर पता चला कि जिन कौन था? आपको बताऊं जी? बता दे, इतने लोग बैठे सब देख रहे। वसीम बदामी। वाह वाह वाह, इतना शरीफ जिन, ये तो उधर भी मुसलमाना सवाल कर रहे होंगे। नहीं खैर, वैसे यहाँ पे हमारी हरदिल अजीज बुशरा जी भी मौजूद है, तो देखें जी आप तो, मैं तो तब से आपका फैन हूँ जब से आप रेडियो पे होती थी। जी जी जी, जब आप रेडियो में आती थी ना, ये रेडियो खोल के देखता कहाँ पर बैठी हुई है। आप भी छोड़ वैसे आप भी छोटे से थे जब मुझे देखते थे। मैं तो जी उस को देता सा था जी। इतना सा। ये तो वैसे वसीम आपने कितनी ज्यादती की है, दो टैलेंटेड लोगों को, पिंडी के दो टैलेंटेड लोगों को आपने इतना दूर दूर बिठा दिया है। वाह, वो भी पिंडी के हैं और ये भी पिंडी के, क्या बात है। और फर्क देखें, साफ जाहिर है।
अब अभी आपको पता चल गया ना कि आप इतने दूर क्यों बैठे हैं। वासत भाई के साथ आपने बदतमीजी की है, मैं आपको बता दूं, उनकी बैड लक चल रही है, इस वजह से आप उनको तंग करते हैं। क्या बैड लक है उनकी? क्या बैड लक? रेस में अकेले भागे हैं, फिर सेकंड आए। अकेले भागने वाला कैसे सेकंड आ सकता है यार? इनका साया जीत गया था ना वहां पे, इन्होंने वहां पे इन्होंने गाना गाया था, साया भी जब साथ छोड़ जाए ऐसी तन्हाई। उसके बाद इन्होंने कहा अमीर होने के लिए कोई काम करते कमेटियां डालते हैं, फिर इन्होंने कमेटी डाली, जुमे के दिन कमेटी निकलनी थी, फिर मंगल के दिन वो अम्मा निकल गई जिसके पास कमेटी पड़ती थी। गर्मी के सीजन लगाता हूँ, लगा कर अभी बैठे हैं तो नहर में से पानी खत्म हो गया। बुरा बुरा टेंशन, आवाजें लगाते रहे। बुशरा जी अगर आप बुरा ना मनाएं, मैं आपको एक दावत देना चाहता हूँ जी। नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्कूटर पार्टी, नहीं नहीं, यानी के अवामी लीग, अच्छा उसमें आपको पता है पूरी पाकिस्तान की जो अवामी लीग की क्यादत है आपके सामने बैठी है, यानी कि मैं टोटल एक ही आदमी है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, आप बुशरा जी आप बहुत बड़ी फनकार है, हमारे मुल्क की इज्जत है, हमारी इज्जत पहचान है, आप इनकी बात मत मारना, मानना नहीं बिल्कुल। इन्होंने बदामी भाई को भी लारा लगाया था, कहते तुम्हें रेलवे में लगवा देता हूँ। अच्छा जी, बदामी भाई ने पूछा मैंने उधर करना क्या है, कहते कुछ नहीं, इंजन के पास खड़े होना है, जब आगे रश आए तो आपने हॉर्न बजाना है यो खींच के। ट्रेन का नहीं, ट्रेन का नहीं, ट्रेन का नहीं, फिर क्या चीज का? ट्रेन का हॉर्न तो खराब है, मुंह से करना है। आप बुशरा जी, बुशरा जी आपके लिए गाना अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज कर सकता हूँ जी। जी जी जरूर। वैसे तो आप बहुत से राग अलापते हैं, आज आप गाना भी सुना। बड़ी मेहरबानी जी। ओ जी टी रोड ते बरे का लगिया बिलो तेरी टोर वह गे चक दे चक दे गिन चक दे चक दे गिन चक दे चक दे गिन चक दे अच्छा ते जाना बिलो दे कर भाई किन किन बिल्लो का नाम नहीं लेना, बिल्लो रानी नहीं कहना, मैं आपको बता देता हूँ बस। क्यों भाई क्यों? मैंने कह दिया ना बिल्लो का नाम नहीं लेना। आप ये बंदा मुझे लगता है कोई पीपल पार्टी वाला आ गया यहाँ पे यार। भाई सही है भाई, कोई और गाना कुछ और गाना नहीं तो वरना ये मैं उड़ले वाला नजूमी उठा के मारना आप। अच्छा चलो 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 कुछ और गाना, कोई ब्रेक भी लेना है, एक और, एक और गाना, लेकिन बिल्लो का नाम ना ये बता दे इनको। ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे तू, ओ बिल्लो रानी कहो तो ब्रेक नहीं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज कराची बमुकाबला पेशावर है उसकी हम आपको अपडेट भी देते हैं और इसी खुशी में हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं यानी कि कैडबरी उसकी जानिब से तोहफा भी है आप तमाम दोस्तों के लिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हर लम्हा पुरजोश में, बुशरा आपा से मासूमाना सवालात करने हमने उसके बाद। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी और इस वक्त जो मैच के हालात हैं वो कोई ज़्यादा बताने वाले हैं नहीं, फिर भी बता देते हैं हम आपको। कराची किंग्स को ये मैच जीतने के लिए चाहिए 156 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस वक्त 92 बॉल्स हैं बाकी, 130 रन चाहिए कराची किंग्स को ये मैच जीतने के लिए, जबकि कराची किंग्स के पास 7 विकेटें बाकी हैं। 24 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए कराची किंग्स के। बासित भाई अच्छी फिर ना ही समझिए, नहीं क्रिकेट में कभी भी ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक भी होना पार्टनरशिप चाहिए। जिस तरह उनके भी आउट हो गए थे और इमाम ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी। कितना परसेंट है इस वक्त कराची इस मैच में? इस वक्त 30% है। तनवीर भाई 20%। ऑल राइट, यानी दोनों के मिला के भी 50% ही हुए हैं। बंदा हमेशा अलग बात करेगा, हमेशा इससे कसम खाई हुई है कि कभी कोई ढंग की बात नहीं करी, उल्टी बात करेगा। देखिए जी, आपको क्रिकेट का पता है, अभी बात कर रहे हैं क्या मतलब है? नहीं जी, ये मैं यार आप फिर शेख साहब को छोड़ो, चलो ठीक। अच्छा जी, ये हमारा सेगमेंट है, आप मुझे छोड़े, मैं इनको कोई बात छोड़ो, पकड़ लें, अपने केबल की फीस लेनी है। ये केबल की फीस इसमें लिखते हैं
वैसे मैंने भी जगह केबल लगवानी है, वो सलमान है केबल वाला है, मैं उसको ऑन एयर ही कहता हूँ भाई तुम केबल लगवा दो यार, मेरे काम फंसा हुआ है बहुत अरसे, मैं कहा ऑन एयर रिक्वेस्ट कर दूँ मैं। चले जी, ये हमारा सेगमेंट है बुशरा कटहरा, इस सेगमेंट का नाम है, कुछ इसमें मासूमाना सवाल करने होते हैं, आप अगर तशरीफ लाएं तो बहुत सारी तालियां हैं बुशरा अंसारी साहिबा। अब ये बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है जब सामने इतने सीनियर लोग बैठे हों कि आपने सवालात भी जरा स्ट्रेट करने हैं, मासूमाना हाँ। करने हैं और सामने इतनी बड़ी शख्सियत बैठी हो तो, और वसीम भाई आगे खुद ही केस में ना फंस जाना सामने लेके कौन बैठे जी मैं इसीलिए हाँ। यानी इसका मतलब वसीम भाई आज आप भी घबराए में, जाहिर है बुशरा में बैठी सामने एक लेजेंड बैठा हो तो फिर क्या बंदा भाई को कटहरे में लाए लाएंगे लाएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे बंदे इन्होंने अपना कुत्ता पै जाना होंगे यार आप क्या भाई, वसीम भाई मैं भाई आप जो भी बोले हमें पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती तो मैंने कहा आप जैसे बंदे को अपना पाला हुआ कुत्ता पड़ जाता है मसला ना आप ओए ओए और मेरा मसला ना आप पंजाबी में ही कहा करें इनको सुने सुने वसीम भाई इनको शेर और उसमें फर्क नहीं नजर आता चले सर जी होड़ खुश हो अच्छा तो बुशरा अंसारी साहिबा इस सेगमेंट के फॉर्मेट के मुताबिक मैं आपसे पूछ लूं कि आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी इस सेगमेंट। मैं एक बात बताऊं कि ये कटहरे वाले हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे सेगमेंट्स इनके पास भी और भी कहीं तो इतने प्यारे मासूमाना ही होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक जो रिवायत है कि लिहाज और मेहमान मेहमान का ख्याल और एक तमीज़ तहजीब तो उसमें वो अटैक उस तरह से होता नहीं है जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में या कहीं और पे तो वो आप एक प्यारा सा मासूम सा एक कर ले सवाल और आप मेरे होते हुए बुशरा जी वैसे भी कोई मेरे अहलिया ने पिंडी की तरफ मैली आग उठा के नहीं देख सकता वैसे कितना अरसा गुजारा है आपने पिंडी में? मैं देखिए पिंडी में एक कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए किया था वहाँ से और बाकी रहती मैं इस्लामाबाद में थी लेकिन रोज मैं पिंडी जाती थी। अच्छा अगर बिस्ती करनी थी तो थोड़ी देर बाद जाके कर नहीं, मैं कर लूं। ये देखे 24 नंबर साइकिल आ गई आप उन्हें। अच्छा जी आगाज करते हैं बुशरा अंसारी साहिबा आपकी एक्टिंग ऑफकोर्स मैं क्या कहूँ पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है, राइटिंग आपने सिर्फ मजाही नहीं बल्कि बड़े सीरियस प्लेस भी लिखे और बड़े मशहूर हुए वो हिट हुए बहुत। मैंने 11 सीरियल लिखे हैं, मैं 12वां लिख रही हूँ आज। यस अभी आपने बताया भी मुझे और बहुत हिट हुए उसमें बहुत सारे प्लेस। होस्टिंग क्या कहने, सिंगिंग आई नो आपको बहुत ज्यादा शौक था, आपने 9 साल की उम्र से गाना शुरू किया लेकिन जब आपने एक बड़े सिंगिंग कॉम्पिटिशन को बहैसियत जज कबूल किया तो लोगों ने उस पर तनकीद की काफी। आप समझती हैं कि आप सिंगिंग के एतबार से, मैं एक्टिंग होस्टिंग या राइटिंग की बात नहीं कर रहा, आप सिंगिंग के एतबार से उस नहज पर आपने अपने आप को पाया कि आप लोगों की म्यूजिकल और सिंगिंग स्किल्स को जज करके उनके मुस्तकबिल का तय करें, दैट वाज द राइट डिसीजन यू थिंक? एक्चुअली जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा मैनेजमेंट से कि देखिए जो पिछले 20-25 साल ये जनरेशन यंग जनरेशन की बात करूँ जिन्होंने म्यूजिक सुना है पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का भी सुना, राहत फतेह अली खान का सुना, नुसरत फतेह खान का सुना लेकिन उन्होंने महनाज, रूना लैला, मैडम नूर जहाँ, गुलाम अली इस तरह हमारे जो म्यूजिक नहीं सुना हुआ। अच्छा उस वक्त का म्यूजिक जो है वो उस वो म्यूजिक वो जो हम करते हैं सही है, ठीक है। हम गाते तो मैंने उसके बाद कम गाया ना, मैंने एल्बम्स निकाली ना, हालांकि मैंने पाकिस्तान टेलीविजन में कोई 15 साल तकरीबन हर म्यूजिक के प्रोग्राम में गाया था, मतलब गा रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि आप एक पैकेज के तौर पर हैं, शेर व शायरी तलफ़ुज और सुर का उतार चढ़ाओ ये कॉम्बिनेशन कम लोगों में होता है। तो आपके ख्याल में फैसला ठीक था? मेरा ख्याल है कि मुझे मतलब बाकी के मेरे जो दो दोस्त थे वो भी कहते थे कि आपको कैसे पता ये रागे, मैंने आपको कैसे पता ये भोपाली है, कुछ थोड़ा बहुत मैं आज भी कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन उसमें आपको वैसे जज कहा जाए तो आप ऑफर कबूल करेंगे? हाँ मुझे लगता है मुझे शायद सेंस उससे बेहतर है जी। अच्छा उस प्रोग्राम में ऑफ कोर्स बहुत सारे टैलेंट आता था नया, उस पर आप लोग अपनी राय का इजहार करते थे। एक दिन उस प्रोग्राम में हमने देखा कि कंदील बलोच आई और मरहुमा ऑफ कोर्स जिस तरह जो उनके साथ हुआ उसकी तो उस पर तो अफसोस ही किया जा सकता है, वो एक अलग बहस है। उन्होंने उस वक्त अपने जिस फन का मुजाहरा किया आप जज साहिबान उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र नहीं आए और आप लोगों ने अकॉर्डिंगली ही कॉमेंट्स दिए यहाँ तक कि आप स्टेज पर आई और उनको लेके चल दी जी। स्क्रिप्टेड था या प्लांटेड था ये? एक्चुअली ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ये हमें चूंकि वहाँ से इंडियन आइडल और अमेरिकन आइडल का ये एक फॉर्मेट है जो कि उसी को फॉलो करना होता है और फिर वही बात कि इंडियंस आते भी थे शुरू में, उन्होंने प्रोग्राम परफॉर्म किया और बहुत सी चीज़ें बहुत से सेगमेंट्स उन्होंने बल्कि मुझे कहा यू आर टू नाइस
I mean, you have to be blunt. सही है. उनका format है ये. सही है. अब हमारे अंदर तो ये नहीं है किसी को कहना कि तुम्हें ये नहीं आता. हम सही तो, हमारी एक बहसियत कौम एक आदत है. लेकिन वो कुछ उसमें थे ऐसे कंदील वाला पार्ट स्क्रिप्टेड कंदील वाला भी था और एक दो बहुत सारे और भी थे तो आ जाता था कि ये फन पार्ट है, ये फन पार्ट है. तो कंदील भी थोड़ी सी वो बेचारी था, वो तय था, वो मस्ती कर रही थी और हम उसको छेड़ रहे थे और वो पिंकी बनी हुई थी और वो मस्त. तो वो एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट था जिसकी वजह से वो ये किया गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए लेकिन एक दिन हमने देखा टेलीविजन स्क्रीन पर कि बुशरा अंसारी साहब इंटरव्यू कर रही हैं एमक्यूएम के उस वक्त के कायद अल्ताफ हुसैन. जी जी. वो उस वक्त के अल्ताफ हुसैन थे जी जी. जिनका नाम कई हवालों से खास शोहरत रखता था. जी हाँ. तो और उस वक्त वो ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं देते थे. जी जी जी. तो आपको कुछ खौफ था कि अभी ये इंटरव्यू भी करना है, कराची भी जाना है, फिर रहना भी है, तो नामालूम अफराद भी है, ऐसा कुछ? मुझे पता नहीं, एक फीलिंग है अल्लाह के करम से कि मुझे सब लोग प्यार करते हैं और एक एक्सेप्टेंस की एक जो आपके पास प्राइड होती है या कॉन्फिडेंस होता है जो आपके पास भी है, उनके पास भी है, मेरे पास भी था. मुझे लगता था कि मैं किसी से भी कभी भी बात कर सकती हूँ. तो मैंने ज़रा सा एक एफर्ट किया. उस दफ़ा गवर्नर थे इशरतुलिबाद, से कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल. तो और मेरी बात हुई तो मैं चली गई. मुझे खौफ नहीं आया, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि ये शख्स जिससे सब लोग बहुत डरते हैं और उनकी आवाज़ में टेरर है और वो एक मतलब जब तकरीर भी करते हैं तो कुछ एक खास अंदाज झलकता है उससे, जो कि अजीब और गरीब भी है. जी. मुझे लगा मैं उनसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करूंगी तो क्या. वो कितना नॉर्मल पाया उस वक्त? वैसे वो काफी नॉर्मल थे. आई मीन उस वक्त उन्होंने काफी नॉर्मल बिहेव किया. एक और सियासी रहनुमा इमरान खान. जी. आप इलेक्शन 2018 से पहले लोगों को बार बार इस बात का शऊर दिलाती रहीं कि हमें वोट डालना चाहिए, अपने हमें तब्दीली की तरफ तब्दीली की जरूरत है. लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले आप एक अवार्ड शो में शिरकत के लिए कनाडा चले गए. लोगों को वोट डालने की तलकीन करने के बाद आपने खुद वोट डालना जरूरी नहीं समझा? ये एक बहुत मासूमाना सवाल नहीं, ये ब्लंडर हुआ, गलती हुई और ये हम सबसे, लेकिन हम कोई मेरे ख्याल 12 या 13 लोग थे जिनको परफॉर्म करना था. ठीक है. और उनको रिहर्सल्स करनी थी. ओके. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं जो शायद उस वक्त ये था कि पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे. ये 3-4 महीने पहले वो हॉल बुक हो जाता है, आपको पता है बाहर के मुल्कों में. अभी भी सितंबर का हॉल बुक हो चुका है. तो उस वजह से मैं चली तो गई और वहां जाके हमने कहा है, लेकिन आपको अफसोस है इस बात? अफसोस हुआ, हम सबको हुआ जो जितने हम गए थे. ठीक है. आपने कहा आई स्ट्रांगली रिकमेंड इमरान खान फॉर अ गुड पाकिस्तान, फॉर अ न्यू पाकिस्तान, फॉर अ चेंज्ड पाकिस्तान. सो बुशरा जी, एज वी स्पीक, इमरान खान हैपेंस टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. वो चेंज मिल गया आपके ख्याल में, आपको और पाकिस्तानियों को जो चाहिए था? हमें अभी इंतजार है और आपके ख्याल में और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी पार्टी के साथ उस तरह से एफिलिएटेड नहीं हूं, लेकिन आपने पीटीआई को ओपनली सपोर्ट तो मैंने ये कहा कि एक इंसान को आप आजमा सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक अस्पताल का वादा किया तो बना दिया, एक यूनिवर्सिटी का वादा किया तो हमने उनको आजमा कर अच्छा किया या हम खुद आजमाइश में पड़ गए? मैं उनकी जात से अभी भी मायूस नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी नातजर्बेकारी से खौफ आता है. ठीक है. जिसकी वजह से उन्होंने बहुत से लोग अपने अराउंड वो रख लिए हैं जो आजमा आजमा के हम थक चुके हैं. ऑल राइट. उस वजह से मुझे अभी परेशानी है. परेशानी है. आप समझती हैं बुशरा अंसारी साहिबा, मैं जनरली नहीं आजकल के मखसूस हालात की बात कर रहा हूँ, भारत से इस वक्त जो एक अजीब गरीब हरकतें हो रही हैं, PSL नहीं दिखाओ, जो कंपनी PSL दिखा रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, मायरा खान पाकिस्तान नहीं आएगी, क्रिकेट स्टेडियम से इमरान खान की तस्वीर हटा दी, अजीब गरीब हरकतें. इस खास माहौल में हमारे कुछ वो अदाकार और अदाकाराएं जो कि तसलसल के साथ भारत जाते हैं और उन्होंने इस मौके पर अपने लब सिए हुए हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए? आई थिंक अब नहीं जा रहा कोई भी. नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ उनको अपने ख्यालात का इजहार, मैं नहीं कह रहा उनके गालियां दें भारत, लेकिन कुछ बात तो करें, कुछ पीस की ही बात करें, कुछ तो कहें. चुप है वो. अब ये होना चाहिए तो है कि पीस की बात जरूर करनी चाहिए, जैसे उनके यहाँ सिद्धू कर रहे हैं और वो भुगत भी रहे हैं. जी, जब वहाँ रहकर बात कर रहे हैं तो यहाँ कुछ बात नहीं होनी चाहिए हमारे लोगों को? एक जनरल ओपिनियन आपका, जो एक जेन्युइन ओपिनियन है, वो जरूर देना चाहिए. मैं वही कह रहा हूँ, गालियां ना दें लेकिन जेन्युइन बात तो करें, बिल्कुल करनी चाहिए. अब मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता था. मेरा मुईन अख्तर साहब से जाहिर है मेरी कुछ मुलाकातें रही, बहुत ज्यादा नहीं जी, लेकिन मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मैं गाड़ी में सफर कर रहा था, मैंने रेडियो चैनल लगाया हुआ था, उस पर खबर आई कि मुईन अख्तर का इंतकाल हो गया. मुझे वो लम्हा आज भी याद है. बुशरा अंसारी, जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल उसके साथ बिता दिए, आपको जब ये खबर मिली, बस क्या कहें आपको कि वो वक्त और वो लम्हा और वो नुकसान ही कह सकती हूँ हम सब का, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता. लेकिन उस दिन हम डॉली की बारात की शूटिंग पे थे और मैं बहुत फनी बनी हुई थी और बहुत जाहिर एक फनी वाला रोल मैं कर रही थी, सीन हो रहा था हम लोग, तो हमारे डायरेक्टर ने आके एकदम से, नदीम बेग ने कहा कि ये हुआ, तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं, मतलब जैसे सुनाई नहीं दिया. 2 मिनट के लिए मरीना थी मेरे साथ और हम अजीब से हो गए. और फिर पूरे रास्ते में जब उनके घर की तरफ जा रही थी
तो मैं रोती हुई जाती हूँ कि मुइन की एक बात है, मुइन बहुत प्यारे दोस्त थे, कि मुइन बहुत अनसोशल थे। यस। मैं उनके घर कभी नहीं गई थी। अच्छा। एक दफा गई थी के बाद अब गई। मैं एक दफा बहुत पहले गई थी, एक बार गई थी। जब मैंने सुना कि वो बीमार है तो मैं और अतर वकार अजीम और हम दो चार लोग हम उनके घर अनवर साहब भी चले गए हाल पूछने के लिए एक दफा। तो 40 साल की दोस्ती में एक दफा मैं सिर्फ तबीयत पूछने गई और मैं रोती भी जा रही थी कि मैं आज मुइन का घर जो मलीर कैंट में है मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं किस मौके पर जा रही हूँ। और बस वो एक अजीब सा दुख है कि मैं बयान नहीं कर सकती कि बस लोग भी मुझसे हम और फिर ये भी बात है अनवर साहब से और मुझसे ही लोग अफसोस करते हैं क्योंकि उनकी एक्चुअल फैमिली लोगों की रीच में नहीं है। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। हर साल यही होता है कि अच्छा एक साल और शफी मोहम्मद को ही नहीं मैं भूलती, लतीफ कपाड़िया को नहीं, अभी काजी वाजिद और ये सब हमारे प्यारे वो लोग हैं जिन सब लोगों की खिदमत के इतराब के सिलसिले में भरपूर तालियां। जाते जाते बस वो कह रहे हैं ब्रेक का कह रहे हैं, मैं कुछ नाम लेता हूँ आप एक लफ्ज में अगर डिफाइन कर दें लोगों एक एक लफ्ज बस आखिरी। इमरान खान एक जुमला। ऑनेस्ट। नवाज शरीफ। शर्मिंदा। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन। लॉस्ट। लॉस्ट। सनम बलोच। प्यारी। मानूर बलोच। बहुत प्यारी। आपने एक दफा कहा मारू बलोच को अल्लाह ताला ने शक्ल दी लेकिन एक्टिंग का टैलेंट नहीं, नहीं वो कोई एक्टिंग की बात कर रहे थे तो वो उस तनाजुर में मतलब उस तरह की जो पांच ही एक्ट्रेसेस थी मैं अब सबा कमर के साथ उनकी एक्टिंग को कंपेयर नहीं कर सकती बट शी इज मच मच प्रीटियर देन एनी अदर एक्ट्रेस। ठीक है। मैं भी शायद बहुत टैलेंटेड। राइट। चल ठीक है। बुशरा अंसारी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक हल्का फुल्का ब्रेक लेते हैं उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। बहुत सारी तालियां बुशरा अंसारी साहब। चले जनाब कराची पर मुकाबला पिशावर इस वक्त जारी है और स्कोर थोड़े स्कोर में क्या रखा है कल के मैचेस की बात करते हैं। कल दो मैचेस हैं मुल्तान ब मुकाबला लाहौर इस्लामाबाद ब मुकाबला पिशावर। हम बढ़ते हैं कल के मैचेस की प्रेडिक्शंस की जानिब। सारा साहिबा ने सबसे पहले प्रेडिक्शन देनी है पहले मैच की मुल्तान ब मुकाबला लाहौर। मुल्तान। मुल्तान। इस्लामाबाद ब मुकाबला पेशावर। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। सर शहीदी साहब वसीम भाई कल जो पहला मैच मुल्तान जीतेगा दूसरा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जीतेगा दूसरा मैच। सर कनान भाई वसीम भाई मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक पहला मैच लाहौर जीतेगा दूसरा मैच इस्लामाबाद जीतेगा। एबी डिविलियर और सलमान बट से एक्सपेक्टेशन। ओके सलमान बट भी कलेक्शन में नजर आएंगे बहुत अरसे बाद। जी सर अली भाई मेरे हिसाब से भी लाहौर जीतेगा लेकिन थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन होगा लाहौर के साथ और दूसरा मैच दूसरा मैच भी थोड़ा मुश्किल है वो इस्लामाबाद जीतेगा। राइट नन्हे मियां कलंदर का मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ कल मुल्तान सुल्तानी जीतेगा वाह भाई वाह वाह भाई कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा वाह भाई वाह वाह भाई। वासिद भाई मुल्तान में मुकाबला लाहौर। लाहौर। लाहौर इस्लामाबाद में मुकाबला पेशावर। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तनीर भाई लाहौर। लाहौर दूसरा मैच इस्लामाबाद। जी बुशरा मुल्तान में मुकाबला लाहौर। लाहौर। इस्लामाबाद में मुकाबला पेशावर। मेरा दिल चाह रहा है पेशावर। आज पेशावर जीत रहा है काफी नहीं है आपका फिर भी दिल चाह रहा है जीत। मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि मेरा दिल बलूचिस्तान और पेशावर की तरफ बहुत जाता है। हाँ ये बात ठीक है। मुल्तान में मुकाबला लाहौर आप भी बता दें। मुल्तान हारा तो लाहौर जीतेगा और दूसरा मैच पेशावर। सर पेशावर जीतेगा और लाहौर जीतेगा। राइट और आज का मैच कौन जीतेगा ये बताने के लिए ये स्कोर कार्ड काफी है 10 ओवर हो गए। बिल्कुल एक चीज जेदा रबड़ी साहब जी आप बाहर मिले ना मैं आपको जरा मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। मेरा मोबाइल को 10 ओवर हो गए हैं 53 रन हैं और 4 खिलाड़ी आउट है कराची किंग्स के। अभी हमें तकरीबन 100 रन और बनाना है 10 ओवर में। बुशरा साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां बुशरा अंसारी साहब के लिए। कल आप लोगों से होगी मुलाकात आसमां के जोश में खेल की आगोश में हर लम्हा पुरजोश में।